पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि अभी कोविड गया नहीं, हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं ड्यूरिंग द कोविड दूसरी वेव से, बहुत लोगों की डेथ हुई, उसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप मास्क मत उतारें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस रखें, क्राउडिंग में मत जाएं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में नंबर ऑफ कोविड के केसेस बढ़े हैं, हमारे कॉलेज में भी अभी भी कभी दो कभी तीन कभी चार पेशेंट आ जाते हैं, अभी तक हमने कोविड का वार्ड बंद नहीं किया है। पिछले को दो चार दिन में जैसे आप मीडिया में सुनते आए हो कि साउथ अफ्रीका से नई स्ट्रेन जो कोविड की ओमिक्रॉन है के एक दो पेशेंट इंडिया में, एक ही पेशेंट शायद आया है, उसको भी हमने आइसोलेट किया हुआ और कन्फर्म करना कर रहे हैं कि वो इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन है या यही कोविड की टू वेव की स्ट्रेन है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन चार दिन में कोई 7-8 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, उसी को कन्फर्म करने के लिए आज उसके सैंपल हमने दिल्ली सेंट्रल लेबॉरेटरी में भेजे हैं। रिपोर्ट इन हर जनरल सेक्रेटरी कश्मीर गोडनेथ कर आज गए आज तकरीबन अख वरी एडमिनिस्ट्रेशन पत पत पका आज गोसी रोड डेवलप गसन रोड डेवलप गसन मगर ये आ प्रोजेक्टस मजन ये रोड विंकनस आ द्राय टेंडर ते यह विकन चलान मगर बहुत बेहत फिर एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गोडनेथ शाहगुंड सोनावारी नजर नजरअंदाज कर सलम खुद बैग वोट बैंक से अतियन क्या उस वोट यह तूत कीमती आसान यम सात पन मान खून अक हिसाब दूत गो गमेंट बनो मगर विकनस नजरअंदाज कर मान अक हिसाब बन शर्म कर इंसानियत मगर बहुत बेहत कर सुबह डी सी सोब एक्जन विकनस ये प्रोजेक्टस कर मगर बहुत दपा यह गए जल्द से जल्द इन कर क्या ये लूकन वह सख्ती बे गोस न वनक पेट न्यून शाहगुन नजर अंदाज कर कहें क्या सानि खातर मान सलम कि वोट बैंकिंग से सलम विकनस शाहगुंडस मे सब गवर्नमेंट विकनस बनान बे बहुत कर एक फिर एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश क्या रोड गो जल्द से जल्द तैयार कर क्या अंकनस चलान मगर तूत फास्ट गहन यी कर विकनस पुस बैलेंस ओत पे जरूरत सो आए सह गई विकनस प्रोजेक्टस एड मगर विकनस गो जल्द से जल्द यह शाहगुंडा रोड क्लियर गुन शाहगुंडा टू नई खे काठपुरा बेस आयरलीकस यपर अंदर अंदर वह सख्ती गोडनेथ विकनस ये क्या एक्जन पी एच ई डिपार्टमेंट अपील कर विकनस शाहगुंडस में प्रोजेक्ट चलान तत् विकनस टंकियन गए तम मगर तथ मजकदर बंद आज गई त्रे रम कर बंद बहुत एक्जन सोबस ये कर गुजारिश चाहे डी डी सोब से तमिस तुम गुजारिश कर मेहरबानी कर सह खस्त हाल गए अच्छे त्रेश दाम तब विकनस कह गोपन मानमित शाहगुंड सोनावर मगर अच्छे गोपन कहें अस तसान अत गई जल्द से जल्द यह फंडिंग इन बे कर एड क्या उस चल आज गोस यह आब सप्लाई गस जल्द से जल्द इन कर आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षता हमारी बहन श्रीमती सविता नंद जी को और साथ में इनके साथ जिला के हमारी पदाधिकारी हमारी नीरू नंद जी और उनकी टीम को। आज महिला मोर्चा ने आगे बढ़कर जो ई श्रम कार्ड है आज इसका कैंप का उद्घाटन कर किया। आने वाले समय में इस कार्ड का जो महत्व है, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश भर के अंदर महिलाएं भी सशक्त हों, और इस कैंप के माध्यम से इन्होंने महिलाओं को यहाँ पे सशक्त करने की जो कोशिश की है, मैं इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सलाम करता हूँ। ऐसी बहनें ही हैं जो आगे बढ़कर नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम जो हैं वो धरातल पर लाती हैं। जम्मू कश्मीर फेडरेशन मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आज की जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ बुलाई है कि 20 तारीख को हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद संडे को हमने मीटिंग की है। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो हमने
स्ट्राइक्स करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि जो हमारी डीपीसी पिछले 4 साल से नहीं हुई है और हमारी फीमेल मल्टी वर्कर उनकी 8-9 साल से नहीं हुई है, उस डीपीसी को जल्द से जल्द किया जाए। उसके साथ हमारा जो गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर किया था कि जो इंसेंटिव जो है इम्प्लाइज को देना है, वो ऑर्डर भी पेंडिंग है। एसआर 43 था जो हमारे साथी डेथ हो जाती थी उसके बाद लगते थे, उसको भी इन्होंने कोई मॉडिफाई करने की कोशिश की है और आज एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने कि जो इंश्योरेंस है वो इम्प्लाई की इंश्योरेंस के लिए इन्होंने निकाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके जो भी ऑर्डर निकालो, आप इम्प्लाई को ऐसा मत समझो कि बंधुआ मजदूर है, जो ऑर्डर निकालेंगे हम मान लेंगे। हमारी एक दफ़ा फिर आपके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर सर्विसेज है, हम इनको ये धरना प्रदर्शन करके ब्रेक देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमजोरी है, हम इसके बाद स्ट्राइक भी कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक करें क्योंकि आप स्ट्राइक करेंगे तो जो लोग हैं वो सफ़र होते हैं। दूसरा, अगर हमारी डीपीसी नहीं हो रही है जहाँ पर एम्प्लाइज सफ़र हो रहे हैं, वहाँ दूसरे जो आम पब्लिक है वो भी सफ़र हो रही है क्योंकि हायर पोस्ट की ग्रेड की पोस्टें जो है वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो 6 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी जिन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपकी डीपीसी हो जाएगी, अब 4 महीने होने जा रहे हैं, हमारी डीपीसी को जल्द से जल्द किया जाए, वरना आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आया उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की। हेल्प पेवन कर मैडम हिंद पे फोटोस पे वन इकड़ा नवा कदच सठ शुक्र गुजार बेट शुक्र गुजार ताहिर अहमद मीर सबन मैडम हिंद टेस्ट चलावान दुनिया कि मतलब अम गुर्बात गरीबन ये कुछ गरीब आन तुम फेरू सा घर पे घर तुम वो गरीब कत दियो तुम डिटेल करो तुम हेल्प मे ना ताहिर अहमद मीर जनाब, बह रोजा सरजी गनस्तान सर। मे गई सरजी चोर वरी असे करान मे गई चोर वरी गरीबन मतलब गुर्बात तान रेशन वातना यह एन जी ओ सरजी चलान अस नबरी मैडम असली दहली हिंद सर वो तेम शौक सर अस नवा कल त्रोमुत तेम से मैडम इनशाला गोड़ खुदा से मज से पन्ने मज से पन्ने असल सत तेम डिस्ट्रिक इंचार्ज बनम सर अगर कह एड तेम इकर सर फारूक सर अत अल फारूक सर अस शुक्र गुजार मतलब ये ये अदार त्रो सर यह गोरमेंट थ्रू वोरमेंट थ्रू सर कहीं यह एड अह मतलब एज फीस बिल्ला कर अगर अम मजीद वन रिक्वेस्ट कर सर अगर कंस तह प्रॉब्लम आर कह प्रॉब्लम आंस बन खर सेमस हे मोल मोज कर खानद कह पर्जूर तुम पुन नंबर वनो पुन सेल नंबर से कार्डस तगत बोर्डस तगत पुन सेल नंबर तुम तुम कर रब हेको तुम कह रब अगर कह सर बमार सर जी वह बमार सह बमार अल्लाह तला कर सारे रहा सह मतलब रोप तेमें तीस आमदनी आ सर तेमस हेको सर हेल्प कर आराम सर एक्चुअली नवा कल सर तो एक्चुअली मैडम अत बुत सर सह नवा कल वनक दिल्ली में एक्चुअली पत् कर् तेम ओत चीर कॉल दोन ताहिर इत मसल कर लूकन में एड करो सुमलस मे प्रोग्राम असान इनशाला जल्दी जल्दी अमुक ऑफिस सुमलस में इनशाला करूँ तमीर अत लगे टाइम इस कह गरीब तीन थोड़ा बहुत हेल्प दिन करो तुम तिज तुम कर सन पोसों मंगा टोटल कहीं आज अस नीश यून अस रब कर गई तिह तबियत नामद रसूल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजारिश यह है कि गुलाम नबी जो पेशे से एक ताजर है सोपोर मंडी में काम कर रहे हैं, तो 22 तारीख को गुलाम नबी अपने ड्यूटी पर चले गए सोपोर मंडी में, जब उनका कोई लेन देन बाहर के किसी आड़ती के साथ था तो कोई आदमी उसको आ गया, उसने कहा कि वो आ गए शुपियान में है, तो वो 2 बजे ट्रेन के जरिए शुपियान में चले गए। उन्हें 6 बजे तक उनका बिल्कुल जनाब रहा उनके शरीक हयात के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। 6 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो सुबह जब उन्होंने कहा तो हम गए सोपोर मंडी में, हमने सोपोर फ्लूट में पुलिस स्टेशन में हमने FIR का टाइम मिसिंग रिपोर्ट डाली, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोशिश करेंगे ये करें, उसके बाद हम शुपियान भी चले गए।
तो वहाँ भी हमने एफ आई आर कटाया तो गोबर मंडी में हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने यकीन दिया पुलिस वालों ने, और जो सोपोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फयाज अहमद अलमारूफ काका जी है, उन्होंने भी कहा हम कोशिश करेंगे इसको बाजियाब करने में उन, और हमने वो प्रोटेस्ट अपनी ख़त्म की। तो आज 2 महीने और 10 दिन हो गए जनाब, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हम गवर्नर साहब के पास भी गए, एसएसपी साहब के पास गए, आईजीपी साहब के पास, डीएसपी साहिबान के पास भी गए, उन्होंने हमें यकीन दिया कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ऑर्डर टू गेट आउट मिस्टर गुलाम नबी नायक को। अब आगे वसत से हम गवर्नर इंतजाम से अपील करते हैं, आईजीपी से अपील करते हैं, एसएसपी से अपील करते हैं, बाकी डीएसपी साहिबान से अपील करते हैं, मेहरबानी करके गुलाम नबी को बाजियाब करो। मोबाइल रिपेयर एंड हार्डवेयर टेक्निशियन कोर्स के समापन समारोह पर आप करें, ताकि उसके माध्यम से वे खुद के जीवन में भारत सरकार में स्किल डेवलपमेंट कर सके। इस योजना के अंतर्गत इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दुर्गा बटालियन द्वारा दिनांक मोबाइल रिपेयरिंग एंड हार्डवेयर टेक्निशियन कोर्स चलाया गया। ग्रामीण इलाकों के 20 बच्चों ने भाग लिया। आज जो ब्रिगेड की तरफ से जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, इसमें हमारे जो बच्चे हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग और स्किल का प्रोग्राम जो इन्होंने सीखा, ये हमारे जो कंसर्निंग यूनिटें हैं इनका बड़ा ही योगदान है कि हमारे गांव से बच्चों को जो है जो बेरोज़गार बच्चे थे उनको रोज़गार दिया। आज हम ये दावे से कह सकते हैं कि जिन जिन बच्चों ने ये काम सीखा वो अपने रोज़ी रोटी का खुद साधन बन सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को जो है वो खाना खिला सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना था कि मैं हर घर में एक बच्चे को जो तैयार करूं, जो स्किल का प्रोग्राम है उसको तैयार करूं, कि नौकरी जो है वो हर आदमी को तो लग नहीं सकती लेकिन ये खुद का जो प्रोग्राम है सेल्फ जो है जो अपना काम कर सके, वो यही मैं भी ये आशा करता हूँ अपनी पंचायत की ओर से कि प्रधानमंत्री जी ने जो आर्मी को जो एक जो दिया कि भाई हर घर में जाके बच्चों को कन्विंस करो और बच्चों को जो है ये ट्रेनिंग दो, तो मेरे हमारे बच्चे जो है वो अच्छे जो है ढंग से काम कर सके। मैं प्रधानमंत्री जी का और जो यहाँ के कंसर्निंग यूनिट का उनका तहे दिल से शुक्रगुजार। उसी कड़ी के उसी शंखा की एक कड़ी आज का आज हम यहाँ पे आगाज कर रहे हैं। डिफेंस ने देखा कि दूसरे दिन कई बार ऊपर से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, उधर से हमारे इवेंट खत्म नहीं हुए होते, इस चीज को उसके पर यही कन्वीनियंस होती थी बच्चों को, हमें भी इसको दूर करते हुए वो हमने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर, वो हमारे बीच में होंगी और भी अफसरान होंगे, डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब होंगे और वहां पे आप सबको सम्मानित किया जाए। ऑलरेडी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ एथलीट्स हैं, कुछ एथलेटिक एसोसिएशन के अहदेदारान हैं, उसी में आप सभी बच्चों को खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम में। मेडल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कंपटीशन में आना और पार्टिसिपेट करना बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्पोर्ट्स विद द डिसिप्लिन विद द स्पोर्ट्समैनशिप, तो स्पोर्ट्स एक प्रेजिडेंट वर्दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर, मेरे हम पेशा साथी प्यारे बच्चों व मीडिया कर्मी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट करीब करीब ऑल ओवर इंडिया से मुझे मैसेज आते हैं, मैक्सिमम यूथ जो है वो अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ जोड़े हुए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेरे लिए बोलने के लिए प्रिंसिपल साहब ने कोई शब्द छोड़ा नहीं,
लेकिन फिर भी मैं आपके इस समय के बीच जो हमारे बीच इस किस्म का समय लगा हुआ है उसके बीच अपने आप को सपोर्ट्स के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूं, आपके स्पेशली ऑल इवेंट्स में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट्स का इवेंट कंटिन्यू रहता है और हमारे यूथ जितने भी हैं, छोटे बच्चे जितने भी हैं, वो वहां पर उसके साथ मिले हुए हैं और अपने आप को फिजिकली फिट बना रहे हैं, मॉरली इम्प्रूव कर रहे हैं, सोशली इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी स्टडीज के साथ अपने आप को दूसरी संस्थाओं के साथ भी जोड़ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो आज की हमारी ड्यूटी है, यही ड्यूटी है कि हमारी वजह से आप बच्चों का फ्यूचर और सिक्योर हो जाए। तो स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है जहां से हर प्रकार की डेवलपमेंट, हर प्रकार की। पहले बताऊं कि ये जो आज यहां पे आगाज हुआ है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर बॉयज एंड गर्ल्स एथलेटिक मीट का, ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी है जे एंड के एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन की। हर साल ऐसा होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एथलेटिक मीट्स होती हैं और वहाँ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बच्चे आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं अपनी प्रतिभा का, और यहाँ से फिर इनकी सिलेक्शन होती है, इन्हें स्टेट के लिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ जो अच्छे परफॉर्मेंस होगी वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते हैं। तो उसी कड़ी का, उसी श्रृंखला की एक कड़ी ये है जो डिस्ट्रिक्ट मीट का हमने आज यहाँ आगाज़ किया है। इसमें 149 बॉयज़ एंड 63 गर्ल्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप जानते हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है समय समय पर ऐसे इवेंट जो है वो नई नई डेस्टिनेशंस पे ऑर्गेनाइज़ करता है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली जो नई ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जिनको हमने न्यूली डिस्कवर किया है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं मगर बाहर JNK के बाहर लोगों को नहीं पता है, या फिर जो जैसे आज हम पुर्थू बीच पे कर रहे हैं, पुर्थू बीच जो है वो कठुआ सांबा और जम्मू के लोग काफ़ी जानते हैं मगर कुछ लोग इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई है कि लोग हर किसी को बताएं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इसी को हम एक्सपोजर देते हुए आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें काइट फ्लाइंग और पेंटिंग कंपटीशन और टग ऑफ वार और म्यूज़िकल चेयर्स का हम यहाँ पे कंपटीशन करवाएंगे। तो इन इवेंट से हमें उम्मीद है कि जो जैसे कि बहुत पब्लिसिटी होगी मीडिया के द्वारा जो है अपने चैनल्स पे जब इसको दिखाया जाएगा तो काफ़ी सारे लोग इसके इस डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जैसे ये इवेंट होगा और जैसे इसकी पब्लिसिटी होगी यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो इंक्रीज़ होगा। सर वहाँ में भी बहुत सारे ऐसे नाम वीरेंद्र अब्रोल है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मिनी गोवा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत दिनों से हम यहाँ पे आने की सोच रहे थे, रास्ते में आते हुए यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, डिवोशनल प्लेसेस भी हैं, मंदिरों का शहर जम्मू माना जाता है और जाना भी जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि भाई साहब ने यह कहा कि यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे गाँव के यहाँ पे लोग आए हुए थे, उनसे भी हमारी बात हुई,
तो उनका ये कहना था कि यहाँ के कुछ एरिया जो ये पानी में आ जाता है। पंचायत नकम जाड़ी में है, ये बालाकोट तहसील में पड़ता है, सब डिवीजन मेंडर में। तो यहाँ पे हमने बातें की लोग अपने आवाम के साथ, यहाँ वसीम साहब भी हैं जो इन्होंने सब लोगों को बुलाया, यहाँ मीटिंग हुई थी, लोगों की बात सुनने आए थे। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला जो उठा है वो पानी का मसला है। कुंडमंजाड़ी जो वाटर सप्लाई स्कीम है 2011 में शुरू हुई थी, सरदार रफीक हुसैन खान साहब ने ये शुरू करवाई थी। इन लोगों का कहना है कि जो स्कीम यहाँ शुरू करवाई थी वो फर्स्ट स्टेज, कहीं फर्स्ट स्टेज पर हुआ है, कहीं सेकेंड स्टेज पर भी नहीं हुआ है। कहीं 800 मीटर पाइप अभी भी इनकम्प्लीट रहती है और टैंक बने हैं, नंबर ऑफ टैंक्स बनाए गए हैं मगर कम्प्लीट स्कीम कम्प्लीट नहीं की गई है। गवर्नमेंट कहती है हर घर घर में नल और नल का बात करती है, मगर गवर्नमेंट का यहाँ नल का तो हुआ नहीं, मैंने तो नल तो देखा नहीं। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को ये टेकअप करना चाहिए। डीसी साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, उनको ये लोगों के इश्यूज़ हैं वो उनको टेकअप करने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट उनके इस जो बात है वो सीरियस लेती है। और मोर एवली यहाँ पे तो फंड्स भी सेंक्शन हुए हैं, तो वो जो फंड्स हैं वो 3 करोड़ रुपया, जो 3 करोड़ रुपीज, वो कहाँ गए पैसे, उन पैसों का कहाँ यूटिलाइजेशन किया है। आप एक तरफ बात करते हैं हर घर नल देंगे, हर घर पानी देंगे, मोदी साहब की बातें करते हैं, पर मोदी साहब का तो ग्राउंड में तो जीरो है काम यहाँ पे, और काम बिल्कुल जीरो है। ये लोग देख लेंगे, बात इनसे पूछ लें क्या 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 कंडीशन है, ना इनको पानी पीने के लिए, ना माल मवेशी के लिए, ना इनको वजू के लिए पानी, कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए। इसलिए आप जो डीसी साहब है, डीसी साहब को अपने एक्शन से बात करनी चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है डीसी साहब, उन्हें डिस्ट्रिक्ट और सारा सिलसिला है उनके कंट्रोल में। मोर एवर एसडीएम साहब अपने साई जंडियाल साहब, क्योंकि अब जो है डेवलपमेंट वर्क है सारा उनके कंट्रोल में आया है। जो जल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है कि जो है कंसर्न जो एसडीएम होगा वो टेकअप करेगा जो डेवलपमेंट वर्क होंगे कंसर्न तहसील्स के, तो ये अपने कंसर्न जो अपने जेश है उनसे ये बात करें, उनसे पूछें ये क्या मसला है उस बालाकोट में जो कुंडमंजाड़ी स्कीम है, उनकी वाटर सप्लाई स्कीम क्यों नहीं चली। और ये मैं आपसे बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ, जितने भी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, अगर आपके कान तक ये मेरी बात पहुँचती है, खुले कान तक अगर कान खोल के आप सुन रहे हैं, जितने भी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं मेंडर सब डिवीज़न में, सारी आपकी फेल हैं। कोई स्कीम आपकी नहीं चल रही, कोई आपका टेंडर वर्क नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये लोग सब तंग हैं, इनके मुँह से जुबानी सुनना चाहते हैं तो आप जुबानी भी सुन लें, ये खुद ही बात करेंगे आपके सामने। और आप इनको बर्दाश्त, इनको इतना मौका ना दें कि ताकि ये रोड़ों पर निकलें, आपके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करें और मोदी के खिलाफ नारे मारें, डीसी के खिलाफ नारे मारें और मजबूर करें। क्योंकि अगर मजबूर हो गए फिर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच करती है, ये ना प्रोटेस्ट करो, वो प्रोटेस्ट नहीं करो। इसलिए को आपने बहुत तंग किया हुआ है, इसलिए खुदा ना खुदा का खौफ खाएँ, उस भगवान का खौफ खाएँ, इन लोगों को पानी दें ताकि ये लोग भी सुख और सांस लें, अपने घर में पानी का इस्तेमाल करें। और बाकी डेवलपमेंट वर्क्स भी बात है, यहाँ पे सब सेंटर नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, बड़े कुछ डेवलपमेंट वर्क्स हैं यहाँ पे, वो ग्रेवेंसीज हैं इनके। राजा वसीम साहब हैं यहाँ के, इनको लीड करते हैं यहाँ पंचायत में, तो वो भी बात करेंगे। जैसा कि आपने नदीम साहब से सुन लिया हमारे यहाँ की मुश्किलात, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हम लोग जब रात को पानी लाने निकलते हैं तो हम लाइट भी जला के नहीं निकलते। ये होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने लाइट जला ली तो किसी दूसरे को पता चल गया जाए और हमसे पहले वो पानी पे पहुँच जाएगा, और पानी भी इतना दूर है कि कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर हमें जो है वो पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। ख़ासकर हमारी पंचायत नकम जड़ी लौर की वार्ड नंबर 7, 5, 1 ले लें या 6 ले लें, 3 का ऊपर वाला हिस्सा ले लें, तकरीबन पूरी पंचायत जो है वो ड्राई है। एक स्कीम जो कि जैसे खान साहब ने बताया कि 10-11 को उसका बोरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं कर रहा है हम, मैं ये इन लोगों की विसादत से ये आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जनाब डीसी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, हाँ के अगर ये हमारी स्कीम जो है वो विद इन डेज शुरू ना की गई तो हम बड़े पैमाने पे इत्तेजाज करेंगे और रोड हरनी चौक को बंद करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट पे और मौजूदा इंतजामिया पे आयत होगी। अगर कोई लार्ड अंडर का मसला बनता है तो ये इनकी जिम्मेवारी होगी। लिहाजा हम आपको एक बार फिर ये गुजारिश करते हैं कि खुदा रा जागिए और जितना जल्द हो सके हमारी स्कीम को शुरू कीजिए। देखो जी आज बहुत बड़े तंगियां नहीं दस औरतों मत जने रोड पर 400 है जी, ते मत कोई काला से अफसर साढ़े पर तंग, बस बहुत तंगियां से पानी शानी कोई नहीं, और साढ़े लीडर ने नहीं सारा मौका देखा, नहीं दा अपनी पाइपों चाहते तू वापस कर, आज कोई इतना काम ना चल देने है जी, आज बहुत बड़े तंग है, आवाम ने लाद देखो।